Welcome to Perfection IAS. Today we are going to discuss one more mains question for our 50-day BPSC planner series. और आज भी हम एक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले लेट अस रीड व्हाट द क्वेश्चन सेज. एग्जामिन हाउ द ग्रोथ इन इकोनॉमी विल जनरेट इनफ एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस द कंट्री एंड व्हाट आर द अदर डिटरमिनेंट्स दैट आर एग्रावेटिंग द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. सबसे पहले हमें ये बताना है कि किस तरीके से ग्रोथ विल ट्रांसलेट इन टू एम्प्लॉयमेंट. And the next, what are the reasons that increase, aggravate का मतलब होता है increase, unemployment. ठीक है, सबसे पहले let me tell you what is the meaning of the phrase unemployment. देखो, unemployment या बेरोजगारी का मतलब ये नहीं है कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वो सारे के सारे बेरोजगार हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो एवरी वन ऑफ अस, हम जितने भी हैं, वी ऑल आर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ठीक है, या वी ऑल आर बीपीएससी एस्पिरेंट्स. तो हम तो अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम अनएम्प्लॉयड हैं? नहीं. अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन आता है द पर्सन हु इज सीकिंग द जॉब और फाइंडिंग द जॉब और वन हु वांट्स टू डू अ जॉब बट इज नॉट एबल टू फाइंड सो. यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो कि नौकरी की तलाश में है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही है, हम उस तरह की सिचुएशन को कहते हैं अनएम्प्लॉय. ये आपको क्लियर हुआ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? आइए, लाइक इन आवर रेस्ट ऑफ द आंसर्स, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? इकोनॉमी के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है यू कैन स्टार्ट विद द फैक्ट, ऑब्वियसली. तो आप यहाँ पे फैक्ट दे सकते हो अकॉर्डिंग टू द PLFS, पीरियोडिक, ठीक है, लेबर फोर्स सर्वे. ये भी सबसे लेटेस्ट और सबसे ऑथेंटिक डेटा है जो कि गवर्नमेंट रिलीज करती है, ठीक है, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को केटर करता है. अकॉर्डिंग टू द PLFS सर्वे, द अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री इज इन अ 45 ईयर हाई नो. यानी इतना अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि पिछले 45 साल में भी नहीं देखा गया था, ठीक है? इसीलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, क्योंकि ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कोरिलेट करता है, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस इट. ये एक तरीका हो सकता है. दूसरा तरीका हो सकता है कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है हाउ ग्रोथ translates into employment. So you can define what economic growth is. देखिए, economic growth जो है it is a quantitative concept. ठीक है, इसमें कोई ऐसी quality नहीं है. Economic growth का मतलब होता है simple increase in GDP या फिर increase in total number of या फिर total value of goods and services provided. अभी हम GDP की nitty-gritties में नहीं जाएंगे कि यहाँ पे final goods होना चाहिए वगैरह वगैरह. That is understood. Simply आपको डिफाइन करना है what do we mean by economic growth, ठीक है? अब आप देखो, इसके बाद में आप क्या करोगे ना, you will try to give a correlation between growth and employment. आप यहाँ पे growth और employment के बीच में एक relation draw करने की कोशिश करोगे. सबसे पहला बोलोगे कि they have got a cyclical relationship. Getting the point? कैसे? देखो, you can say that growth leads to employment. और वहीं उल्टे में आप क्या बताओगे, ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू ग्रोथ. ठीक है, मैं आपको ये छोटा सा एग्जाम्पल देके इस पूरी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. मान के चलो कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है. ग्रोथ का मतलब ये है कि द GDP ऑफ द कंट्री इज इंक्रीजिंग, ठीक है? ये आप समझ रहे हैं ना, मैंने आपको पिछले स्लाइड में ही बोला है कि वॉट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रोथ एंड GDP. तो GDP ऑफ द कंट्री इज इंक्रीजिंग. अब GDP इंक्रीजिंग का मतलब है कि द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्रीजिंग. तो यहाँ पे हम सर्विसेज वाला एस्पेक्ट को हटा देते हैं, सिर्फ गुड वाले एस्पेक्ट को लेके चलो. नाउ वी ऑल नो दैट वी हैव गॉट फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. देखो, ये इकोनॉमिक्स का बेसिस है. ये अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो आप बहुत सारे आंसर्स को इजिली लिख लोगे. क्या है फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? वी हैव लैंड, वी हैव लेबर, ठीक है, उसके बाद में वी हैव कैपिटल एंड देन वी हैव एंटरप्राइज. ये चार होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम जब एम्प्लॉय करते हैं तो वी पे देम फैक्टर पेमेंट. तो लैंड में हम पे करते हैं रेंट, लेबर को हम पे करते हैं वेज, कैपिटल पे हम पे करते हैं इंटरेस्ट, एंड इन एंटरप्राइज अ पर्सन गेट्स प्रॉफिट. अब आप इसको रिलेट करो. देखो, मान के चलो कि अगर मुझे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, सो आई विल रिक्वायर आइदर मोर लैंड, मोर लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. चलो मान के चलते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन में लैंड को ऑक्यूपाई करना मुश्किल है, कैपिटल भी शायद आपको बैंक ना दे, लेकिन हम लेबर को तो इंस्टेंटेनियसली इंक्रीज कर सकते हैं,
सो व्हेन आई इंक्रीज द लेबर पार्ट, ये क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही तो हुआ, गेटिंग द पॉइंट। या फिर उसके बाद मानू कि मैं, मेरे पास लेबर भी रेडीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज दैट आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज द वेजेस ऑफ द लेबर, जो एग्जिस्टिंग लेबर है हम उनके वेज को इंक्रीज कर रहे हैं। तो पहले ऐसे लोग जो कि किसी एक सेक्टर में लो वेज के चलते नहीं आ रहे थे, वो भी अब यहां पे आके काम करना चाहेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। समझ रहे हो आप किस तरीके से ग्रोथ इंक्रीमेंट ने एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया। अब आप इसका उल्टा केस देखो, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जो है वो ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट हाउ एम्प्लॉयमेंट इज लीडिंग टू ग्रोथ। यहां देखो आप, एम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या है कि पर्संस दे हैव गॉट जॉब, जॉब है तो उनके पास में वेजेस हैं, वेज का मतलब है दे हैव लिक्विड मनी, सो देयर डिमांड विल इंक्रीज, परचेजिंग पावर विल इंक्रीज। अब ये लोग क्या करेंगे, इसको लाके मार्केट में पैसे को स्पेंड करेंगे, तो इससे क्या होगा, मार्केट में हमारा मनी सप्लाई बढ़ेगा, और जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो क्या होगा, जब यहाँ पे लोग ज्यादा चीजों को डिमांड कर रहे हैं तो जो हमारा प्रोड्यूसर है ही इज ऑल्सो गोइंग टू प्रोड्यूस मोर, वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा। तो यही तो होता है ना, इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर हुआ? अब दूसरा देखो आप, दूसरा है ट्रिकल डाउन अप्रोच। ट्रिकल डाउन अप्रोच देखो, ट्रिकल का मतलब ये होता है ना कि कोई भी चीज जो है वो ऊपर से बहते बहते नीचे आ रही है, ठीक है। तो ट्रिकल डाउन अप्रोच के जो वोटरीज हैं, जो इसके फेवर में बात करते हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर हम जो लोग, जो भी इंस्टीट्यूशन या पर्सन टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम है, अगर हम उनके इनकम को बढ़ा दें, तो अल्टीमेटली ये जो इंक्रीज इन इनकम है ये बॉटम में ट्रांसलेट हो जाएगा, और जो लोग डाउन ऑफ द स्पेक्ट्रम है उनका इनकम भी इंक्रीज होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है आपको? आप इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे मान के चलो आप, इफ यू टॉक अबाउट बिग बिलियनियर्स, ठीक है, जो बिग बिलियनियर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अंबानी ले लो आप, या कोई भी ऐसा बिग बिलियनियर ले लो, जब उनका इनकम इंक्रीज होता है तो वो क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू एक्सपैंड मोर। कैपिटलिज्म का यही तो मोटो है कि यहाँ पे हमेशा री इन्वेस्टमेंट ऑफ वेल्थ होता है। जब वो और एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, आइदर दे विल एम्प्लॉय मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉय मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और दे विल इंक्रीज द एग्जिस्टिंग वेज। तो देख रहे हो आप अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो अपर क्वार्टाइल में इनकम इंक्रीज हो रहा है वो लोअर क्वार्टाइल में ट्रांसलेट हो रहा है, ठीक है। और कहते हैं कि दिस इज वन ऑफ द मेजर वेज टू इरेडिकेट पॉवर्टी, हम इसे पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगले एस्पेक्ट पे आते हैं। देखिए, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं या कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं हु रेफ्यूट द ट्रिकल डाउन थ्योरी, और बोलते हैं नहीं ऐसा जनरली होता नहीं है, क्योंकि जो बेनिफिट्स हैं दैट इज नॉट इक्वली स्प्रेड, बेनिफिट जो है वो इक्वली स्प्रेड नहीं होता है। कैसे, वो बोलते हैं इनकम फॉर द टॉप पीपल दे राइज एक्सपोनेंशियली, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। या अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, दिस इंक्रीज इन ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन, जैसे 2, 4, 8, 16, लेकिन जो लोअर लोग हैं, जो लोअर क्वार्टाइल में है, उनका जो इनकम है दैट इंक्रीज इन एपी 1, 2, 3। मेनी अ टाइम्स क्या होता है, ये लोग जीरो सम गेम के बारे में बात करते हैं, ये बोलते हैं कि वेल्थ इन अ सोसाइटी इज फिक्स्ड, सो इफ द अपर पीपल आर गोइंग टू अप्रोप्रिएट द वेल्थ रिसोर्सेज, इट लीव्स लेसर रूम फॉर द पीपल हु आर एट द बॉटम ऑफ द क्वार्टाइल, ठीक है। ये दो साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट है, आई थॉट कि ये आपको बताना जरूरी है, सो आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। अब आप देखो यहां पे, अब हम एक और एस्पेक्ट देख रहे हैं, वी नीड टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ, हाउ द इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी इंक्रीज बाय फोकसिंग ऑन सम टारगेटेड एरियाज, ठीक है। जैसे वो एरिया क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे वी नीड टू इंक्रीज द ग्रोथ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इन्वेस्ट इन द ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, क्योंकि लेबर है ना एक पार्ट, ह्यूमन रिसोर्स में हमको क्या करना है, वी विल ट्राई टू बिल्ड ह्यूमन कैपिटल, और ह्यूमन कैपिटल कैसे बनता है, बाय इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल, यही तीन चीजों से वी कैन मेक ह्यूमन रिसोर्स इन टू अ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। सो द गवर्नमेंट नीड्स टू स्पेंड ऑन दीज थिंग्स। क्लियर हो रहा है? अगला ले लो आप, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर के दो फायदे होते हैं, सबसे पहले तो
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से दिस विल गिव द बिजनेस पीपल और द कॉरपोरेट्स अ वेरी स्मूथ गोइंग. अगर आपके पास में एग्जिस्टिंग रोड्स हैं, अगर आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा साधन है, इस तरीके से बाहर के लोग आके आपके देश में इन्वेस्ट करेंगे. और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हो, यू ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. जैसे मान के चलो, अगर मुझे रोड बनाना है तो मैं लोगों को जॉब दूंगा ना, अगर मुझको हॉस्पिटल बनाना है तो लोगों को जॉब मिलेगा ना, ठीक है. उसके बाद में आप देखो, प्लान्ड एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी वन ऑफ अस नो दैट रिसोर्सेज आर फाइनाइट. सो वी नीड टू मेक प्लान्ड एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, तभी तो आप उस रिसोर्सेज से फर्दर जाके कुछ एक्सट्रैक्ट कर पाओगे. गेटिंग द पॉइंट. उसके बाद में टर्निंग द ह्यूमन कैपिटल इन टू अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमको इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड में चेंज करना है. इंडिया की जो यूथ है, जो यंग एज पॉपुलेशन है, दैट इज सोरिंग, और अभी वो 30-40 साल तक सोर करते ही जाएगी. सो दिस इज अ वेरी राइट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू यूटिलाइज इट. और आखिरी है, वी नीड टू इन्वेस्ट इन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी. इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, इससे आप एक चीज और समझ सकते हो. देखो, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, तो अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आएगा वेन यू वोंट बी एबल टू एक्सपैंड योर रिसोर्स बेस. और जब आप रिसोर्स बेस को एक्सपैंड नहीं कर सकते हो, यू ऑब्वियसली नीड टू रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी. जैसे मान के चलो, आप कोल है, अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, पहले हम कोल पावर प्लांट से एनर्जी लेते थे. एनवायरमेंट का अगर हम इश्यू छोड़ दें, हम सबको पता है कोल जो है वो लिमिटेड है, तो फ्यूचर में आपको अल्टरनेटिव सोर्सेस खोजना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अभी खोज लो. तो अब हमने सोलर एनर्जी खोजा है, न्यूक्लियर एनर्जी खोजा, ये क्या है? इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी है, ठीक है. अब जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि वॉट आर द फैक्टर्स दैट एग्रावेट अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है. अब आप देखो, इसमें सबसे पहला है लैक ऑफ एजुकेशन. बिल्कुल, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, सो यू विल बी अंडर एम्प्लॉयड, आइदर यू विल बी अनएम्प्लॉयड और यू विल बी अंडर एम्प्लॉयड. या तो आपके पास नौकरी ही नहीं होगी, और अगर होगी भी तो यू विल बी पेड वेरी लेस, ठीक है. तो एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है. गेटिंग द पॉइंट. उसके बाद में देखो आप, डिक्लाइन इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और स्मॉल स्केल की जगह मैं लिख दे रहा हूं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, ठीक है. आज आप देख लो कि मैक्सिमम जगह वी हैव कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, जहां पे बिग गुड्स आर बीइंग मेड विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. तो अगर आप मशीन के हेल्प से सामान बना रहे हो, तो लोगों को जॉब कहां मिलेगी? तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री तो कहीं ना कहीं एंडी हो रही है. उसके बाद में थर्ड देखो आप, इंक्रीज इन पॉपुलेशन. बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन ये रीजन नहीं है सिर्फ, इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन विदाउट मच स्ट्रेस ऑन इंक्रीजिंग द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी. समझ रहे हो आप? यानी हमने पॉपुलेशन तो इंक्रीज किया, लेकिन अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज नहीं किया. गेटिंग द पॉइंट. उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे जॉबलेस ग्रोथ. जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है? जॉबलेस ग्रोथ का मतलब है कि इंडिया हैज शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू द सर्विसेज सेक्टर. इसीलिए ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन बीच में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वॉइड आया है, उसके चलते जॉब क्रिएशन नहीं हो पाया. गेटिंग द पॉइंट. उसके बाद में फॉल्टी प्लानिंग मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो हमेशा एक रीजन रहता ही रहता है, ठीक है. उसके बाद आप लिखो डिस्ट्रेस इन एग्रीकल्चर. और डिस्ट्रेस इन एग्रीकल्चर के चलते क्या हो रहा है? वी हैव डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. चलो ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है. मान के चलो एक पार्सल ऑफ लैंड है, यहाँ पे 4 पीपल आर वर्किंग टू प्रोड्यूस 100 kg ऑफ राइस, ठीक है. लेकिन ये जो फार्मर था, इसका बेटा शहर गया था पढ़ने के लिए, लेकिन वो बोला नहीं पापा मैं आपके साथ खेती करूंगा, तो वो यहाँ आ गए. अब दिस आर 5 पीपल, लेकिन अभी भी ये 100 kg ऑफ वीट ही उगा रहे हैं. तो आप बताओ, उस एक एक्स्ट्रा इंडिविजुअल के चलते क्या प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी में कोई इंक्रीमेंट आया? आंसर इज नो. सो वो वन पर्सन की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो. तो दो इट इज लुकिंग लाइक ही इज एम्प्लॉयड, बट इन रियलिटी ही इज अनएम्प्लॉयड, ठीक है. एक और बहुत मेजर चीज जो इंडियन इकोनॉमी फेस करती है, वो है लैक ऑफ एडिक्वेट स्किल्स. नॉट ओनली स्किल्स बट लैक ऑफ एडिक्वेट स्किल. तो इसीलिए हम इंडस्ट्री के नीड्स को नहीं मीट कर पाते हैं. सो इंडस्ट्री रिक्वायर्ड स्किल्स आर मिसिंग.
इंडस्ट्री स्किल्स आर मिसिंग, इसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट होता है, लोगों को जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रश फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, और ये जो गवर्नमेंट जॉब की लुक्रेटिवनेस है जिसके चलते पीपल दे गो फॉर वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि चलो ठीक है हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तब तक हम कोई जॉब नहीं करेंगे, उसके चलते वो वॉलेंट्री मतलब स्वतः खुद से ही अनएम्प्लॉयड रहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट बोथ बाय द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, चलिए अब हम कुछ सजेशंस देखते हैं। तो वी हैड द स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर, पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमिटी होती है ना, स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। उन्होंने बोला था कि अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द लेबर इन इंडिया इज इनफॉर्मल, सो ट्राई टू फॉर्मलाइज इट, सबसे पहला। ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने इसका ब्रेकअप भी किया था कि कुछ स्ट्रीट वेंडर्स हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं, सो ट्राई टू फॉर्मलाइज दिट, गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद में और कुछ क्या क्या मेजर्स हैं, सबसे पहले देखो आप इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन वॉट, इन एजुकेशन, इन स्किल, इन प्रोवाइडिंग इफेक्टिव हेल्थ केयर। उसके बाद में इंक्रीज द सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, ये सिंपली फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स की ही बात हो रही है। देखो इनफॉर्मल लेबर का मतलब ये है कि उनके पास में सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है। ठीक है, अगर आप उनको सोशल सिक्योरिटी नेट दे दोगे तो दिस इन अ वे इज ट्राइंग टू फॉर्मलाइज द एम्प्लॉयमेंट। और आखिरी में प्रमोट वोकेशनल ट्रेनिंग, ये तो अभी गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है वोकेशनल ट्रेनिंग को। ठीक है, प्रमोट वोकेशनल ट्रेनिंग या सिंपली इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग, समझ में आ गया। अब आप देखो जब हम कंक्लूड करेंगे तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं इन अ वेरी पॉजिटिव नोट, जैसे कि यहां देखो आप कि दो इंडिया लैक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लैक कर रहा है, बट इन एग्रीकल्चर 50% ऑफ द पीपल गेट एम्प्लॉयड, सो व्हाट इंडिया कैन डू इज दैट इंडिया कैन ट्राई टू इंप्रूव अपॉन इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर सो दैट द पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल कैन इंक्रीज, सबसे पहले। दूसरा, वी कैन ऑल्सो स्ट्रेंथन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थ्रू इनिशिएटिव सच एज मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सब स्टेप अभी क्यों ले जा रहे, टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच इज गोइंग टू अब्सॉर्ब मैक्सिमम ऑफ द लेबर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर नीड्स टू बी अ कोलैबोरेटिव इफेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री टू केटर टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से आया होगा समझ में। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम विथ वन मोर लेक्चर। थैंक यू।